मित्रों 1936 में उड़ीसा की नव निर्माण हुआ, देश की पहला भाषाई आधारित राज्य की एक प्रशासनिक इकाई बनी। आज इस बात को याद करना उचित होता है, डॉक्टर मेहताब जी की भूमिका भाषा आधारित उड़ीसा प्रांत बनाना, जिसकी और 12 साल के बाद हम शताब्दी मनाएंगे, डॉक्टर मेहताब जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। और उसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा, मेहताब जी पराधीनता की मानसिकता की, पल पल की, कण कण की, घटना घटना की एक जीवंत प्रयोगशाला थे। देश जब एक दृष्टिकोण से अंग्रेजों की गुलामी के कारण चपेट में था, एक संपन्न परिवार से आते हुए डॉक्टर मेहताब जी को उस समय की जो संभ्रांत लोग जिस रास्ते को अपनाए थे, सुख स्वच्छंद वैभव की जिंदगी को त्याग करते हुए देश भाषा जाति संस्कृति के लिए सारे वैभवों को छोड़ के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, पराधीनता के खिलाफ, प्रजातंत्र के लिए उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। इसलिए उनको हम लोग श्रद्धा से, बड़े आदर से उत्कल केसरी के नाम पे भी नामित करते हैं। मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने एक बार एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था, अगर उसका हिंदी भावार्थ मैं ऐसे आपके सामने रखूं, यदि आप चाहते हो कि आपकी मृत्यु के बाद आपका नाम याद रखा जाए, या तो लिखने लायक कुछ करें या पढ़ने लायक कुछ लिखें। आइदर डू समथिंग वर्थ राइटिंग और राइट समथिंग वर्थ रीडिंग। मैं उसको अगर डॉक्टर मेहताब जी की जिंदगी के साथ जोड़ता हूँ, मेहताब जी ऐसे कुछ काम किए जो इतिहास उनके नाम पे लिखा जाता है। मेहताब जी ऐसे कुछ लिखे जिसको आज हम इतिहास के नाम पे पढ़ भी रहे हैं। मेहताब जी एक इतिहास अपने आप में बने, जो इतिहास भविष्य को जाने के लिए एक आईना के रूप में काम कर रहा है। मित्रों, मेहताब जी उड़ीसा की शान थे, उड़ीसा की गौरव थे, उड़िया अस्मिता की जीता जागता एक स्टेटमेंट थे, एक स्टेट्समैन थे। मेहताब जी केवल स्वतंत्रता संग्रामी नहीं थे, राजनेता थे, समाज सुधारक थे, एक महान वक्ता थे, कवि थे, उपन्यासकार रहे, निबंधकार रहे, इतिहासकार रहे, और पत्रकार भी रहे, और खिलाड़ी भी रहे। शायद सामाजिक जीवन में मैं आदरणीय भर्तोरी मेहताब जी से सुना हूँ, डॉक्टर मेहताब कैसे अपने अंतिम समयों में प्रदेश के विभिन्न इलाकाओं में प्रवास करते हुए वहाँ की लोक कला को रात उजागर रह के, रात भर रह के उसको मनाते थे। उसकी उद्देश्य था राष्ट्रीय सहमति का, राज्य की एकता की नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए। मेहताब जी जीवन के अंतिम क्षण तक समाज को जीवंत करने के लिए, नई पीढ़ी को एक प्रेरणा प्रेरित करने के लिए एक जीता जागता उदाहरण बन के रहे। वो एक मास्टर स्टेट्समैन के रूप में काम किए। मित्रों, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा कि आज अभी जो लघु चित्र हम लोगों ने देखे, आज उड़ीसा की जो एक दृष्टि बनी है, उड़ीसा एक राज्य के रूप में, उड़ीसा की कुछ इंस्टीट्यूशन हम सभी के सामने आज प्रतीयमान है, ये सारे की अंदर डॉक्टर मेहताब जी की एक व्यक्तिगत छाप है। भुवनेश्वर की आधुनिक शहर निर्माण करना, ऐसे तो भुवनेश्वर हमारी एक सभ्यता की केंद्र है, मंदिरों की शहर है, लेकिन इसको राज्य की एक राजधानी के रूप में बनाने के लिए निर्णय और उसको उसके बाद बनाना, डॉक्टर मेहताब जी की भूमिका सबसे बड़ा रहा है। मित्रों, अगर मैं आज की एक बात उल्लेख करूं, आज की दो बात आपको उदाहरण दूं, संजोग देखिए,
हमारी देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जी जिस जिले से आते हैं वो जिला मयूरभंज देश की संघ राष्ट्र में विलय हुआ 1949 में, लगभग 16 महीने के बाद, आजादी के 16 महीने के बाद मयूरभंज भारत की राष्ट्र संघ में विलय हुआ। आज उसी के कारण परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया भारत की राष्ट्रपति है। मेहताब जी का उसमें दूरदृष्टि था, सरदार पटेल जी और मेहताब जी दोनों मिलके भारत की छोटे राज रजवाड़ों को भारत की अखंडता के साथ जोड़ने की जो काम किया, मयूरभंज भी उसकी एक उदाहरण है। मित्रों, हीराकुद व्यायाम के नाम पे मेरा एक सौभाग्य है, मैं संयोग से इस बार लोगों के आशीर्वाद से जिस जगह को प्रतिनिधित्व करता हूँ, हीराकुद व्यायाम उसी शहर के ऊपर है। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।